कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक हो। तो गाइस, आज के लिए मैं एक जरूरी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। गाइस, जिन लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब जो बना रहे हैं, उनको लगता है कि यूट्यूब बनाना एकदम आसान है, एकदम आसान है। उसमें दो चार वीडियोस बना के आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, या फिर साथ साथ आप यूट्यूब से प्ले बटन भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस वीडियो में जो आप जितना करना आसान है, उतना करना मुश्किल भी है। कि जैसे कि आप वीडियो जो आप बना रहे हो, तो उसमें यूट्यूब चैनल में ना, तो उसमें कई साल मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसमें एक वीडियो से दूसरे वीडियो में अपलोडेड करना, और साथ साथ ये कि चैनल को साथ साथ एडिट करना, जो भी आप यूट्यूब चैनल जो आप बना रहे हो उसमें नाम लिखना जैसे कि आप सब्सक्राइबर को, जब सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स, अगर आपका चैनल अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो आप अपने चैनल को ना रोज़ ऐसे वीडियोस में भेजोगे, तब आपका चैनल एकदम फेमस हो जाएगा, सब का चैनल जो है ना वो एकदम इम्पोर्टेंट लगेगा। तो गाइस, आपको जब यूट्यूब में आप जब बाहर जाते हो, तो आप बाहर जा के आप व्लॉगिंग करते हो, तो व्लॉग करने से पहले आप क्या होता है कि आप बाहर जाते हो, लोगों यहाँ पे कोई आसमान का वीडियो बनाया, या पे कोई शहर नज़ारों का वीडियो बनाया, जैसे कि आज मैं वीडियो चैनल जो बना रहा हूँ, तो उसमें आपको कैसा लगता है? आप जो वीडियो में आप बना रहे हो, तो आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आप वीडियो बना के आप बहुत फेमस हो जाओगे, या फिर पैसे आ जाएंगे इनका, या फिर साथ साथ 1 लाख व्यूवर्स बढ़ जाएगा, ऐसा व्यूवर्स बढ़ जाएगा, या फिर कोई साथ साथ गोल्डन प्ले बटन भी मिल सकता है, या फिर डायमंड प्ले बटन, ऐसा कुछ भी नहीं। ये यूट्यूब चैनल जो है ना, बहुत ही आसान तो करना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है गाइस, आपको भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल में जो आप बना रहे हो, तो उसके लिए ना एक दो कैप्चर करना भी आसान है। जैसे कि आप बाहर घूमने गए, तो जैसे विक्टोरिया मेमोरियल में गए, या फिर दिल्ली के रेड फोर्ट में वहाँ पे गए, उसका सबका वीडियोस बनाया। और यहाँ पर वीडियो सबसे अच्छी बात ये है कि अब हम जो वीडियो बनाते हैं, तो हम बाहर जाके वीडियो बनाते हैं, हम एक नए घर में पहले हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैं इस छोटे घर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, आप जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, या फिर कोई आपके जैसे आप YouTube चैनल बनाते हो, जैसे कि आप YouTube चैनल बनाते हो, Instagram करते हो, या फिर Facebook करते हो, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये पूरा इंडिया में से कनेक्टेड है। ये जो इनमें से इंटरनेट में आप जो बात कर रहे हो, तो इंटरनेट में जो हम सब के लिए जो इंटरनेट है ना, वो बहुत मतलब फेमस है। और इंटरनेट की बात, ये तो बात करते हैं इंटरनेट की, इंटरनेट पे आप कंप्यूटर में आप वीडियोस को एडिट करना, या फिर यूट्यूब चैनल के लिए उसमें सब्जेक्ट तो कैप्चर में से वीडियो बनाना, जैसे कि आप कोई रोमांटिक का वीडियो भेज रहे हो, या फिर साथ आप प्रिंसेप घाट भी गए, वहाँ पे भी वीडियो बनाया, वहाँ पे भी वीडियो बनाया नज़ारों का। तो आपको ऐसे जब वीडियो बनाते हो, तो आप में जो वीडियो जो आप जो कुछ भी सामान करते हो, जैसे कि सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, वो जो वीडियो बनाने से ना, आप वीडियो को आप मूवी में आपने देखा होगा कि वीडियो में आप मूव्स कैमरा को कैसे मूव्स करते हैं, जिसमें कैमरा एकदम शेकिंग नहीं करता है। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मुझे भी थोड़ा सा इचिंग लगा था, मैं ऐसे सोच रहा था कि कब मेरा चैनल को सब्सक्राइब मिल जाएगा, या कब यूट्यूब से 1 लाख हो जाएंगे, और साथ साथ एक ही के कहा कि पैसे यूट्यूब से पैसा कैसे मिलेगा। तो ऐसे कि आप अपने यूट्यूब चैनल जो बना रहे हो, तो आपको यूट्यूब चैनल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे जैसे कि आप इंस्टाग्राम में ऐसे रोज़ बहुत सारे फ़ोटोज़ भेजते हो ना इंस्टाग्राम में, जिसमें आप
आपको सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाते हैं। वैसे ही यूट्यूब चैनल के लिए भी बढ़िया है, अगर आप ऐसे वीडियो बनाओगे ना तो आप ऐसे वीडियो बनाते रहो इसके आपका वीडियो जो है ना, हाँ वो एकदम हाई लेवल हो जाएगा और आपके दर्शक को भी मज़ा आएगा। अगर आप एक बार अगर एक की चीज़ को बार बार अगर आप वीडियो बनाते हो तो दर्शकों को बोरिंग लग जा सकता है। तो गाइस आपके लिए मैंने ये बस इतना ही कहा है। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा यूट्यूब चैनल, अगर आपको यूट्यूबर बनना है ना तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसके लिए कॉपी राइट करना भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक में ना वीडियो में ना कॉपी राइट करना बिल्कुल भी मत करना। इसे ना वीडियो है ना धीरे धीरे व्यूज़ जो है ना धीरे धीरे घट भी सकता है और सब्सक्राइबर भी जीरो भी हो सकते हैं। ओके आज के लिए इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।